हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास नोड जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं नोड जेएस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल, जिसका नाम है HTTP मॉड्यूल। और इसी HTTP मॉड्यूल की मदद से हम देखेंगे कि किस तरह से हम नोड जेएस के अंदर अपना एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस नोड जेएस से रिलेटेड मैं अपने इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, HTTP मॉड्यूल एंड क्रिएट अ सर्वर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा सा दूंगा, उसके बाद मैं आपको लेकर आऊँगा HTTP मॉड्यूल पे, जिससे आपको समझ में आएगा कि जो HTTP मॉड्यूल है, ये हम यूज़ क्यों करते हैं, मतलब इसको यूज़ करने का मकसद क्या है, ठीक है। मतलब क्यों इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नोड जेएस के अंदर। क्योंकि मेरी नज़र में अगर आपको ये वाला मॉड्यूल नहीं आता ना, तो आप कभी भी नोड जेएस के डेवलपर नहीं बन सकते। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना है, तभी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे आ जाओ भाई, देखो थोड़ा बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको पता है कि जब जावास्क्रिप्ट हमारे पास लॉन्च हुई थी, तो वो हमारे पास क्या थी, बेसिकली एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज थी, जिसको हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। स्क्रिप्टिंग की जगह आप यहाँ पे इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन जब नोड जेएस आया, ठीक है, तो नोड जेएस हमारे पास क्या चीज़ लेकर आया, सर्वर साइड लैंग्वेज। मतलब नोड जेएस ने जावास्क्रिप्ट को एक सर्वर साइड लैंग्वेज बना दिया था। मतलब देखो, जावास्क्रिप्ट लॉन्च हुई थी 1995 में, उसके ठीक 14 साल के बाद हमारे पास नोड जेएस आया था। इसका मतलब नोड जेएस से पहले पहले हम जावास्क्रिप्ट को एज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज यूज़ करते थे, लेकिन नोड जेएस के आने के बाद हम इसको जावास्क्रिप्ट को एज अ सर्वर साइड लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, नोड जेएस क्या है, नोड जेएस हमें यहाँ पे देखो, नोड जेएस इज अ रन टाइम एनवायरनमेंट दैट अलाउज जावास्क्रिप्ट टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर साइड। मतलब नोड जेएस जब आया, तो उसने एक ऐसा रन टाइम एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड किया, जिसकी मदद से हम अपने जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन को सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर है। अब आगे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो, जब जावास्क्रिप्ट लॉन्च हुई थी, मैंने क्या बताया था कि जब जावास्क्रिप्ट लॉन्च हुई थी, तो वो आपके पास एज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज यूज़ होती थी। इसका मतलब कि जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके जब हम एप्लीकेशन बनाते थे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था कि वो एप्लीकेशन हमारे वेब ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होती थी। भाई देखो, आपको बताया ना कि जावास्क्रिप्ट अपनी वेबसाइट्स के अंदर जब यूज़ करते थे, क्यों यूज़ करते थे, वेबसाइट्स को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता था, वो हमारे वेब ब्राउज़र पे ही एग्जीक्यूट होता था। इसका मतलब वो हमारे क्लाइंट के ऊपर ही एग्जीक्यूट होता था, तभी इसको क्लाइंट साइड लैंग्वेज कहा जाता था। लेकिन जब हमारे पास नोड जेएस आया, ठीक है, मतलब जब हमारे पास नोड जेएस आया, और नोड जेएस को यूज़ करके जो हम एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, वो हमारी सर्वर पे एग्जीक्यूट हो सकती हैं। इसका मतलब जब नोड जेएस आया ना, तभी हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर वो जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है ना, वो हमारे पास यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब नोड जेएस से पहले हमारे पास क्लाइंट सर्वर का तो कोई आर्किटेक्चर ही नहीं था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को हम क्लाइंट पे ही क्या करते थे, वहाँ पे रन करते थे। लेकिन जब नोड जेएस आया, तब हमारे पास बेसिकली वो जो क्लाइंट सर्वर का एक आर्किटेक्चर होता है ना, वो इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे देखो, जब नोड जेएस के अंदर वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आया, तो तब नोड जेएस किस तरह से काम करती थी कि भाई यहाँ पे देखो, हमारे पास एक क्लाइंट है, मतलब क्लाइंट ब्राउज़र भी हो सकता है, क्योंकि हम ब्राउज़र पे एप्लीकेशंस को एक्सेस करते हैं, वहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं कहाँ पे, अपने सर्वर के पास। मतलब क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद रिस्पांस भेजता है वापस क्लाइंट को। तो ये वाला जो आर्किटेक्चर है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था नोड जेएस के अंदर। मतलब जब नोड जेएस आया था, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट को एज अ सर्वर साइड लैंग्वेज यूज़ करते थे। तो यहाँ पे देखो, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, तो रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि वो कोई URL भेजता है। जिस तरह आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो, तो वो जो वेबसाइट होती है, वो बेसिकली कहाँ पे रखी हुई होती है, किसी सर्वर पे रखी हुई होती है। आप अपने वेब ब्राउजर से क्या करते हो, आप उस URL को हिट करते हो, तो वो रिक्वेस्ट जाती है बेसिकली किसके पास, सर्वर के पास। और जब सर्वर आपकी उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, तो वो रिस्पॉन्स में आपको कोई ना कोई डेटा प्रोवाइड करता है।
अब वो डेटा डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, मतलब वो डेटा आपके पास प्लेन टेक्स्ट भी हो सकता है, जेसन भी हो सकता है, एचटीएमएल का कोई पेज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर। और ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कब मिला था जावास्क्रिप्ट को, जब नोड जीएस हमारे पास आया था, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया कि जो हमारा क्लाइंट होता है वो हमारा वेब ब्राउजर भी हो सकता है, मतलब कोई भी वेब ब्राउजर हो, आपके पास क्रोम हो, मोजिला हो, ओपेरा हो, कोई भी हो सकता है। और इसके साथ साथ आपका मोबाइल भी क्या हो सकता है, आपका क्लाइंट हो सकता है। मतलब क्लाइंट हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, जिस तरह वेब ब्राउजर हो गया, मोबाइल हो गया, क्योंकि मोबाइल से भी तो आप रिक्वेस्ट भेजते हो ना, सेम इसी तरह डेस्कटॉप कोई एप्लीकेशन हो गई, वहां से भी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो अपने सर्वर को। तो क्लाइंट हमारे पास क्या हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, अब आगे आ जाओ। तो भाई अब देखो, जब नोड जीएस हमारे पास आया था, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया कि जावास्क्रिप्ट हमारी एक सर्वर साइड लैंग्वेज भी बन चुकी थी। तो इसका मतलब अब ये है कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए जिसके अंदर हम नोड जीएस के अंदर सर्वर भी क्रिएट कर सकें। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे अब रिक्वायरमेंट क्या है कि नोड जीएस को यूज करके हमें क्या करना है, अपना सर्वर क्रिएट करना है। क्योंकि जाहिर बात है, जब मैं नोड जेएस को यूज करूंगा तो इसका मतलब वहां पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होगा। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नोड जेएस का एक अपना सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। भाई देखो, अगर मैं पीएचपी की बात करूं, जावा की बात करूं या दूसरी लैंग्वेजेस की बात करूं, तो उसमें क्या होता था कि वो जो हमारे पास वेब डेवलपमेंट के लिए सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती थी, उसके अंदर उनका कोई अपना एक सर्वर भी होता था, डिफॉल्ट सर्वर भी होता था। लेकिन नोड जीएस में क्या है कि हम यहाँ पे अपना सर्वर क्रिएट करते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पे एक मॉड्यूल होता है, और ये वही मॉड्यूल है जिसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, और वो कौन सा है, एचटीटीपी मॉड्यूल। मतलब नोड जीएस के अंदर एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, ठीक है, जिसका नाम है एचटीटीपी मॉड्यूल। इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, ताकि क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट पास होती है सर्वर को, वो हमारा सर्वर उसको गेट करे, रिसीव करे और प्रोसेस करके क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे। तो उसके लिए मेन हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, वो होता है सर्वर को क्रिएट करना। और सर्वर को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं एचटीटीपी मॉड्यूल। तो देखो, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एचटीटीपी मॉड्यूल का मकसद क्या है। मकसद ये है कि हमें अपने नोड जेएस के अंदर सर्वर को क्रिएट करना है, और सिर्फ सर्वर को क्रिएट नहीं करना, बल्कि ये जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं, रिस्पॉन्स होते हैं, ये जितना भी HTTP प्रोटोकॉल को मैनेज करने का काम होता है, इससे रिलेटेड सारे मेथड्स हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमारा ये HTTP मॉड्यूल, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, HTTP मॉड्यूल की डेफिनेशन के ऊपर आने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास मॉड्यूल क्या होता है, मतलब व्हाट इज अ मॉड्यूल इन नोड जीएस। तो यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट, अ मॉड्यूल इज अ चंक ऑफ कोड इन एन एक्सटर्नल फाइल दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मॉड्यूल क्या है, एक चंक ऑफ कोड है, मतलब कुछ पीसीज ऑफ कोड है, कुछ कलेक्शन ऑफ कोड होता है हमारी एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर। एक्सटर्नल फाइल मतलब जो हम डॉट जेएस के नाम से एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं ना, उसी को बेसिकली कहा जा रहा है मॉड्यूल। और उसके अंदर कुछ चंक्स ऑफ कोड होते हैं, मतलब कुछ पीसीज ऑफ कोड होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज में आते हैं। मतलब कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी हमें अचीव करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेट मॉड्यूल बना लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पॉइंट, नोड मॉड्यूल्स प्रोवाइड अ वे टू रीयूज कोड इन योर नोड एप्लीकेशन। मतलब देखो, यहाँ पे कह रहा है कि जो नोड जेएस के अंदर मॉड्यूल्स है ना, ये जो डेवलपर होता है उसको एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं रीयूज कोड। मतलब भाई देखो, फॉर एग्जांपल मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसके अंदर बहुत सारी मेरे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, और फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऐसी नीड होती है कि एक मॉड्यूल है उसको मुझे बहुत सारी फाइल्स के अंदर क्या करना है, यूज़ करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये मॉड्यूल्स। मतलब मॉड्यूल सिर्फ HTTP मॉड्यूल तो नहीं है ना, बहुत सारे हैं, जिस तरह हमने एक FS मॉड्यूल भी पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, OS हो गया, पाथ हो गया, बहुत सारे होते हैं, तो उनको हम बार बार क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। फिर देखो, थर्ड पॉइंट, इन सम वेज दे आर सिमिलर टू अ क्लास इन अदर लैंग्वेजेस लाइक सी शार्प और जावा। मतलब देखो, यहाँ पे मॉड्यूल को कंपेयर कर रहा है किसके साथ, क्लासेस के साथ। अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, जिस तरह से सी शार्प हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, C++ हो गया, उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता था क्लासेस का, जिसके अंदर हम मेथड्स बनाते थे, फंक्शंस बनाते थे, वेरिएबल्स बनाते थे, और वो क्लासेस क्या करते थे, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते थे। तो तभी यहाँ पे मॉड्यूल को क्लास से कंपेयर किया जा रहा है, समझने के लिए, ठीक है, सही है। अब आगे आ जाओ,
अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को फेच कैसे करता है, लिसन कैसे करता है। भाई गौर से समझना। देखो यहाँ पे मेरा क्लाइंट हो गया और मेरे पास यहाँ पे मेरा सर्वर हो गया। तो क्लाइंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका वेब ब्राउजर, ठीक है? तो वेब ब्राउजर से आप रिक्वेस्ट करते हो, मतलब आप कोई यूआरएल क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो। तो सर्वर आपकी इस रिक्वेस्ट को पहचानता कैसे है, सुनता कैसे है? मतलब भाई देखो, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है ना सर्वर को, तो सर्वर उसको लिसन करता है। मतलब सर्वर के पास समझ लो कि एक कान होता है जो कि आपकी रिक्वेस्ट को सुनता है, लिसन करता है। और लिसन कैसे करता है भाई? देखो, जिस तरह कोई लड़की आती है आपके पास, आपसे कोई बात करती है, तो आप गौर से सुनते हो ना। तो सेम इसी तरह के आप समझ लो कि जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, उस रिक्वेस्ट को सर्वर सुनेगा, लिसन करेगा। कैसे लिसन करेगा? यहाँ पे देखो, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है पोर्ट नंबर का। मतलब जब हम सर्वर को क्रिएट करते हैं ना, तो वहां पे हम एक पोर्ट नंबर भी डिफाइन करते हैं, जिसकी मदद से हमारा सर्वर जो होता है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को लिसन करता है, सुनता है, समझता है। अब पोर्ट नंबर्स की कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है? मतलब बहुत सारे पोर्ट नंबर्स होते हैं, जो मोस्ट कॉमन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह 80 हो गया, 8080 हो गया, 8000 हो गया, 90 हो गया, 3000 हो गया, 4000 हो गया, मतलब इस तरह के बहुत सारे पोर्ट नंबर्स हैं। आप कोई भी एक पिक करोगे जो फ्री होगा, क्योंकि भाई देखो अक्सर ऐसा होता है आप कोई पोर्ट नंबर पिक करते हो, लेकिन आपके जो सिस्टम में एप्लीकेशन रन हो रही होती है ना, तो उनमें से कोई एप्लीकेशन वो वाली पोर्ट यूज कर रहा होता है। इसका मतलब आप ऐसा पोर्ट नंबर यूज कर रहे हो जो फ्री नहीं है, तो उस केस में एरर भी आपको देखने को मिलता है। तो उस केस में आप क्या करते हो, पोर्ट नंबर चेंज कर लेते हो। तो भाई देखो, ये तो मैंने आपको चार पोर्ट नंबर्स यहाँ पे बताए ना, आप अगर गूगल पे सर्च करो ना, आपको बहुत सारे पोर्ट नंबर्स मिल जाएंगे। आप कोई भी एक करो जिसपे सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को क्या करेगा, लिसन करेगा, ठीक है? तो भाई देखो, ये जो पोर्ट नंबर्स होते हैं, ये डिफाइन करने के लिए हम इसी HTTP मॉड्यूल का एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है लिसन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आप ये लिसन मेथड यूज़ नहीं करोगे और इसके साथ पोर्ट नंबर यूज़ नहीं करोगे, तो कभी भी जो आपका सर्वर है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सुन नहीं पाएगा, लिसन नहीं कर पाएगा, प्रोसेस नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो जब क्लाइंट इस पोर्ट नंबर की मदद से आपकी रिक्वेस्ट को लिसन करेगा, उसके बाद ही वो आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आपको रिस्पॉन्स भेजेगा, ठीक है? तो एक ये कॉन्सेप्ट भी अपने माइंड में रखना, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? अच्छा, एक और चीज इसी के अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ, और वो क्या है, यहाँ पे देखो, अगर हम नोड जीएस की बात करें ना, तो ये जो जब हम सर्वर क्रिएट करते हैं, तो नोड जीएस कुछ डिफॉल्ट पोर्ट नंबर्स हमें प्रोवाइड करता है कि भाई आप इनको यूज कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है? यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, नोड जीएस एप्लीकेशंस ऑफन लिसन ऑन पोर्ट नंबर 3000 और 4000, बट दोज आर जस्ट कन्वेंशंस एंड यू डोंट हैव टू फॉलो देम। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ डिफॉल्ट पोर्ट तो नोड जीएस आपको प्रोवाइड करता है, 3000 यूज कर लो या 4000, लेकिन जरूरी नहीं है, ये जस्ट कन्वेंशंस है। अगर आप चाहो तो इनको फॉलो कर लो, अगर आप नहीं चाहो तो इनको फॉलो ना करो। मतलब आप 3000 और 4000 के अलावा भी पोर्ट्स यूज कर सकते हो, जिस तरह मैंने आपको बताया ना अभी पीछे वाली स्लाइड में, 80 भी होता है, 8080 भी होता है, 8000 भी होता है, 90 भी होता है। गूगल पे सर्च करो, बहुत सारे पोर्ट नंबर्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब आगे आ जाओ। अब एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाने लगा हूँ कि जब भी हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर काम करते हैं, मतलब जो हम सर्वर क्रिएट करते हैं और क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, तो इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो जब भी हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट पास करते हैं सर्वर को, ठीक है, मतलब क्लाइंट ब्राउजर पे हो या मोबाइल पे हो, डेस्कटॉप पे हो, जब वो रिक्वेस्ट पास करता है ना सर्वर को, तो मैंने आपको बताया था ना कि वो URL को हिट करता है, मतलब रिक्वेस्ट के अंदर एक URL जाती है। लेकिन भाई देखो, एक्चुअल में होता पता है क्या है, होता ये है कि क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट करता है ना सर्वर को, तो क्लाइंट कुछ इंफॉर्मेशन पास करता है सर्वर को। मतलब जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है ना सर्वर को, तो आप समझ लो कि क्लाइंट क्या करता है, कुछ इंफॉर्मेशन पास करता है सर्वर को। मतलब क्लाइंट समझ लो एक एनवेलप बनाता है, जिसको हम लिफाफा कहते हैं ना, तो उस लिफाफे के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन डालता है, और वो इंफॉर्मेशन किसको भेजता है, सर्वर को भेजता है। तो वो जो इंफॉर्मेशन होती है ना, जो क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट के दौरान भेजता है, उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट हेडर। मतलब आप समझ लो कि ये एनवलप होता है जिसके अंदर मल्टीपल टाइप्स की इंफॉर्मेशन होती है। और सेम इसी तरह
जब सर्वर आपकी जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स वापस भेजता है ना क्लाइंट को, तो सर्वर भी कुछ इन्फॉर्मेशन भेजता है आपके क्लाइंट को, और जो सर्वर क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन भेजता है उसको हम कहते हैं HTTP रिस्पॉन्स हेडर। मतलब क्लाइंट ने एक लिफाफा बनाया, उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन रखी और वो इन्फॉर्मेशन पास कर दी सर्वर को। तो जब सर्वर उस चीज़ को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स भेजेगा, तो सर्वर भी एक लिफाफा किसको भेजेगा, एक एनवलप किसको भेजेगा, क्लाइंट को। तो उस लिफाफे के अंदर, उस एनवलप के अंदर, उस सर्वर का जो रिस्पॉन्स होता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो मैंने आपको बताया ना कि क्लाइंट कुछ इन्फॉर्मेशन पास करता है सर्वर को और सर्वर कुछ इन्फॉर्मेशन वापस क्लाइंट को पास करता है, जिसको यहाँ पे हम कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट हेडर, इसको कहते हैं रिस्पॉन्स हेडर। तो भाई देखो, HTTP रिक्वेस्ट हेडर में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है पहले उसको समझो। भाई यहाँ पे देखो, एक तो इसके अंदर होता है रिक्वेस्ट URL, मतलब कि कौन सा URL क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है, वो इन्फॉर्मेशन भी सर्वर के पास जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद रिक्वेस्ट टाइप, मतलब वो जो रिक्वेस्ट है वो किस टाइप की। आपको बताया ना, बहुत सारे हमारे पास रिक्वेस्ट टाइप के मेथड होते हैं, गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट डिलीट हो गया, ठीक है। तो किस टाइप की रिक्वेस्ट है वो भी हमारे पास इस रिक्वेस्ट हेडर के अंदर स्टोर होती है और सर्वर के पास पास होती है। और फिर इसके अंदर एक और चीज होती है यूजर एजेंट। यूजर एजेंट का मतलब कि जो क्लाइंट है ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा है। जिस तरह से अगर ये मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 10 यूज कर रहा है, तो वो एज अ यूजर एजेंट पास होती है इन्फॉर्मेशन कहाँ पे, हमारे सर्वर पे। और भाई देखो, ये मैंने अभी सिर्फ तीन चीजें आपको बताई हैं। इसके अंदर HTTP रिक्वेस्ट हेडर के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अभी जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए तीन चीजें बताई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब सर्वर हमारी इस रिक्वेस्ट को, इस रिक्वेस्ट हेडर को रिसीव करके प्रोसेस करता है, उसके बाद जब वो रिस्पॉन्स भेजता है हमारे क्लाइंट को, तो मैंने क्या बताया कि वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन भेजता है जिसको हम क्या कहते हैं, HTTP रिस्पॉन्स हेडर। और इस HTTP रिस्पॉन्स हेडर के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, कंटेंट लेंथ, मतलब सर्वर रिस्पॉन्स में जो कंटेंट भेज रहा है, कुछ डेटा भेज रहा है क्लाइंट को, उसकी लेंथ क्या है। जिस तरह सपोज करो कि सर्वर मेरा नाम भेज रहा है क्लाइंट को, आदिल, तो आदिल के अंदर कितने कैरेक्टर्स आते हैं, चार, तो चार क्या हो गई, उसकी कंटेंट लेंथ हो गई, ठीक है। फिर सेम इसी तरह कंटेंट टाइप, किस टाइप का डेटा है, मतलब किस टाइप का डेटा है जो सर्वर वापस क्लाइंट को पास कर रहा है। जिस तरह से जेसन भी होता है हमारे पास, प्लेन टेक्स्ट भी होता है, HTML टाइप का डेटा भी होता है, ठीक है। तो ये आ जाता है कंटेंट टाइप के अंदर। फिर यहाँ पे आ जाओ स्टेटस कोड। स्टेटस कोड मतलब जो रिक्वेस्ट क्लाइंट ने की थी और सर्वर ने जब उसे प्रोसेस किया था, तो क्या वो रिक्वेस्ट मतलब ओके थी। ओके के लिए हमारे पास ये 200 वाला कोड यूज होता है, आपको पता होगा। अगर एरर आ जाए, मतलब वो पेज उसको ना मिले, तो 404 नॉट फाउंड का एरर आता है। और भी बहुत सारे स्टेटस कोड होते हैं जिनकी अलग अलग मीनिंग होती है, वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। मतलब बहुत सारे स्टेटस कोड होते हैं, उनकी अलग अलग मीनिंग होती है, वो आप देख सकते हो। तो स्टेटस कोड भी हमारे पास यहाँ पे सर्वर एज अ रिस्पॉन्स किसको भेजता है, क्लाइंट को भेजता है। तो यहाँ पे भी मैंने HTTP रिस्पॉन्स हेडर के अंदर भी आपको तीन चीजें बताई हैं, लेकिन इसके अंदर भी हेडर रिस्पॉन्स जो होता है, इसके अंदर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर से क्लाइंट को पास होती है, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अभी जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी वहां पे। और भाई देखो, ये वाला जो हम सारा काम करते हैं ना, ये काम करते हैं हम किसकी मदद से, हमारे HTTP मॉड्यूल की मदद से, ठीक है। इसलिए इन सब प्रोसेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाओ, मतलब अब यहाँ पे HTTP मॉड्यूल की जो डेफिनेशन है ना, वो बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, Node.js हैज अ बिल्ट इन मॉड्यूल कॉल्ड HTTP, मतलब Node.js के अंदर एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जिसको हम HTTP मॉड्यूल कहते हैं, विच अलाउज Node.js टू ट्रांसफर डेटा ओवर द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब भाई देखो, ये जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर जितना भी काम हो रहा होता है ना, रिक्वेस्ट जा रही होती है, रिस्पॉन्स आ रहा होता है, ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट हेडर होते हैं, रिस्पॉन्स हेडर होते हैं, ये सारा काम कौन मैनेज कर रहा होता है, HTTP प्रोटोकॉल, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पे क्या बता रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये सारा काम मैनेज किस तरह से हो रहा होता है HTTP वाला, यहाँ पे देखो, जिस तरह मैंने बताया ना कि हमारे पास हमारा ये क्लाइंट है, तो ये जो क्लाइंट है ना, इसको HTTP लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, HTTP क्लाइंट। और सेम इसी तरह ये जो हमारा सर्वर होता है, इसको कहा जाता है HTTP सर्वर। और ये जो हम रिक्वेस्ट पास करते हैं क्लाइंट से सर्वर को, इस रिक्वेस्ट को भी हम कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट। और सेम इसी तरह सर्वर जो रिस्पॉन्स भेजता है हमारे क्लाइंट को, उसको भी हम कहते हैं HTTP रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये जो सारा काम हमारे पास हो रहा होता है, ये किसकी मदद से हो रहा होता है, HTTP प्रोटोकॉल की मदद से हो रहा है, जिसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
और इन्हीं सारे कामों को करने के लिए, इन्हीं सारे कामों को मैनेज करने के लिए हमारे पास नोड जेएस के अंदर एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जिसका क्या नाम है, एचटीटीपी मॉड्यूल। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने गौर से इसको समझना है। ठीक है, अच्छा ये वाला पॉइंट तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, एचटीटीपी मॉड्यूल का। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द एचटीटीपी मॉड्यूल इन नोड जेएस प्रोवाइड्स यूटिलिटीज फॉर क्रिएटिंग एचटीटीपी सर्वर्स एंड क्लाइंट्स। यूटिलिटीज का मतलब मेथड्स, फंक्शंस, मतलब एचटीटीपी से रिलेटेड आपको जो भी काम करना है ना, सर्वर क्रिएट करना है, क्लाइंट के साथ काम करना है, ये सारी चीज़ें हमें ये वाला मेथड प्रोवाइड करता है, सॉरी मेथड नहीं, एचटीटीपी मॉड्यूल प्रोवाइड करता है जिसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट्स अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ नोड जीएस। फंडामेंटल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला मॉड्यूल, एचटीटीपी मॉड्यूल, किससे रिलेटेड, नोड जीएस से रिलेटेड। इनेबलिंग द हैंडलिंग ऑफ एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज। इसका मतलब अगर आपको एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, रिस्पॉन्सेज को हैंडल करना है, तो ये सारा काम आपको यही वाला मॉड्यूल मैनेज करवा के देगा। ठीक है, तभी मैंने शुरू में बताया था कि भाई इसके बगैर आप कभी भी एक नोड जीएस के अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते, क्योंकि काम ही नहीं होगा इसके बगैर। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब बताएगा कि भाई किस तरह से हम जो हमारा सर्वर होता है उसे क्रिएट करते हैं इस मॉड्यूल की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द एचटीटीपी मॉड्यूल अलाउज यू टू क्रिएट अ सर्वर यूजिंग एचटीटीपी का एक मेथड है जिसका नाम है क्रिएट सर्वर मेथड, विच लिसन्स फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट। मतलब जो आपकी जो इनकमिंग रिक्वेस्ट होती है ना, जो क्लाइंट से आ रही होती है, उनको सुनता है और फिर उनको हैंडल करता है। हैंडल कैसे करता है, कॉल बैक फंक्शन की मदद से। इसका मतलब ये जो हमारे पास क्रिएट सर्वर का मेथड है ना, एक तो ये आपको सर्वर बना के देगा, ऐसा सर्वर जो कि आपकी रिक्वेस्ट जो आ रही होंगी क्लाइंट से उनको रिसीव करेगा और फिर उनको रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स कैसे देगा, कॉल बैक फंक्शन की मदद से। इसका मतलब क्रिएट सर्वर मेथड के अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन भी बनाएंगे जो कि रिस्पॉन्स जनरेट करने का क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, अभी इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अब यहाँ आगे आ जाओ। ठीक है, तो अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं ताकि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो देखो मैं आ गया अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और यहाँ पे पहले से मैंने अपना एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, एचटीटीपी मॉड्यूल। ठीक है, और इसके अंदर देखो पैकेज डॉट जेसन की फाइल भी आपको नजर आ रही है जो कि मैंने npm init कमांड को जनरेट करके यहाँ पे ये वाली फाइल जनरेट कर ली, और इसके साथ साथ एक index.js जो हमारी एंट्री पॉइंट वाली फाइल होती है वो भी क्रिएट की हुई है, लेकिन ये बिल्कुल खाली है, इसके अंदर अभी तक हमने कोडिंग नहीं की। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर बिल्ट इन मॉड्यूल जो के है एचटीटीपी मॉड्यूल, उसको यूज करना है। तो सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। याद रखना ये बिल्ट इन नोड जेएस का मॉड्यूल है, मतलब ये थर्ड पार्टी नहीं है। इसका मतलब इसको हम npm की मदद से डाउनलोड नहीं करेंगे, ये पहले से इसके अंदर मौजूद है। हमें जस्ट क्या करना है, इसको डायरेक्ट इंपोर्ट करना है। किस तरह से, पहले वेरिएबल बनाता हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ यहाँ पे HTTP। ठीक है, और फिर रिक्वायर का मेथड यूज करते हैं, हमें पता है, और इसके अंदर हमारे मॉड्यूल का क्या नाम है, HTTP। ठीक है, तो ये मैंने अपना HTTP मॉड्यूल यहाँ पे क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ कॉन्स्टेंट को यूज करके। ठीक है, और इस वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ सर्वर। ठीक है, और ये जो मैंने अपना जो HTTP मॉड्यूल गेट किया था ना जिस ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसका नाम क्या रखा था, HTTP, इसके साथ मैं यहाँ पे एक मेथड यूज करूंगा जो मैंने अभी आपको बताया, जिसका क्या नाम है, क्रिएट सर्वर। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर हम बनाएंगे एक कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे फंक्शन का ये सिंटैक्स यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन मतलब एरो फंक्शन आप इसको कह सकते हो। ठीक है, और अब इसके जो पैरामीटर्स हैं, इसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स बनाऊंगा, एक रिक्वेस्ट उसका शॉर्ट फॉर्म और दूसरा रिस्पॉन्स उसका शॉर्ट फॉर्म। इसका मतलब जब भी हम क्लाइंट से कोई URL हिट करेंगे, मतलब रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो URL हमारे पास यहाँ पे आके स्टोर होगा। मतलब ये जो रिक्वेस्ट का पैरामीटर है वो उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। क्योंकि आपने सुना होगा जब भी हम कोई भी URL रिक्वेस्ट करते हैं तो उस URL के अंदर भी बहुत सारा डेटा होता है जिसको हम क्यूरी स्ट्रिंग कहते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यूरी स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट भी आगे जाके देखेंगे। और यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स, मतलब जो भी रिस्पॉन्स हमें जनरेट करना है ना, वो हम इस पैरामीटर की मदद से क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे सर्वर भी क्रिएट होगा और उसके साथ साथ ये कॉल बैक फंक्शन भी हम एज अ रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या करवाएंगे, जनरेट करवाएंगे। मतलब यही कॉल बैक फंक्शन समझ लो आपकी रिक्वेस्ट को रिसीव भी कर रहा है और रिस्पॉन्स करने का जो भी काम होगा वो भी हम इसी की बॉडी के अंदर करेंगे। सही है, सही है, ये काम तो हो गया। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था जब भी हम सर्वर क्रिएट करते हैं तो हमें वहाँ पे उसको लिसन भी करवाना पड़ता है, मतलब वहाँ पे पोर्ट नंबर्स का यूज करना पड़ता है जो कि हमारी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को लिसन करता है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो यही वाला जो मैंने वेरिएबल बनाया ना सर्वर,
इसी के साथ यहाँ पे मैं एक मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है लिसन। और लिसन के अंदर यहाँ पे देखो वो जो डिफॉल्ट पोर्ट नोड जेएस ने हमें बताई थी ना 3000 या 4000, उसमें से मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ 3000। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारा होस्ट है उसका नाम क्या रख रहा हूँ, उसका नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ लोकल होस्ट। भाई देखो अगर किसी ने कोई दूसरी सर्वर साइड लैंग्वेज पढ़ी हुई है, जिस तरह से हमारी PHP हो गई, ASP.NET हो गई, ठीक है, तो उनको पता होगा ये लोकल होस्ट क्या है। मतलब ये लोकल होस्ट आप समझ लो जो हम अपना मशीन पे ये सर्वर बना रहे हैं ना, उस सर्वर के होस्ट का नाम है ये लोकल होस्ट। ठीक है, वैसे तो ये ऑप्शनल होता है, मतलब अगर आप इसको ना भी देना चाहो ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे दे दिया ताकि वो जो सर्वर साइड का एक एनवायरनमेंट होता है ना, जो उसकी फील होती है वो मेंटेन रहे। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो मैं एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ, मतलब इसके अंदर भी कॉल बैक फंक्शन आता है। ठीक है, ये इसकी बॉडी आ गई। और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं console.log करवाता हूँ, और console.log क्या करवाता हूँ देखना, मैं इसके अंदर यहाँ पे एक मैसेज पास कर देता हूँ, सर्वर रनिंग एट, किस पे रन कर रहा है यहाँ पे देखो, वो जो हमारा लोकल होस्ट है ठीक है, उसका यहाँ पे मैं एड्रेस पास कर देता हूँ इस तरह से, लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर यहाँ पे क्या था 3000, तो यहाँ पे मैं ये 3000 पास कर देता हूँ। ठीक है, मतलब जब हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे और जब सर्वर हमारा स्टार्ट होगा तो हमें ये वाला मैसेज कंसोल पे, मतलब टर्मिनल पे नजर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जिस तरह से मैंने बताया कि ये वाला जो क्रिएट सर्वर की मदद से हमने सर्वर क्रिएट किया और रिक्वेस्ट को रिसीव करेंगे और रिस्पॉन्स को मैनेज करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये जो रिस्पॉन्स का पैरामीटर है इसकी मदद से हम क्या करेंगे, अपने रिस्पॉन्स को मैनेज करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसी रिक्वेस्ट यहाँ पे इस पैरामीटर के पास आएगी तो अब मुझे यहाँ से रिस्पॉन्स भी भेजना है, मतलब सर्वर रिस्पॉन्स भेजेगा किसको, क्लाइंट को। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं यही वाला पैरामीटर यूज करता हूँ RES, और इसके साथ में एक मेथड यूज करता हूँ राइट। राइट मेथड यूज करते हैं जब भी आपको रिस्पॉन्स में कोई भी डेटा राइट करवाना होता है और भेजना होता है। तो यहाँ पे देखो मैं मैसेज पास कर देता हूँ रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर, ठीक है, सही, ये मैंने मैसेज पास किया। और उसके बाद आपको लाजमी यहाँ पे अपने रिस्पॉन्स को एंड भी करना है। ठीक है, ये एक मेथड है एंड का, ये आपने लाजमी यहाँ पे यूज करना है जिससे पता चलेगा कि रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ तक अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ ताकि आपको ये जो रिस्पॉन्स है वो मैं दिखा सकूँ। ठीक है, तो एप्लीकेशन को रन करेंगे। भाई देखो अपनी एप्लीकेशन को अगर हम कंटिन्यूसली रन करवाना चाहते हैं, इसका मतलब कि हमें बार बार वो जो नोड कमांड लिखनी होती थी, बार बार नोड कमांड लिख के उसको बार बार एग्जीक्यूट ना करें, तो उसके लिए हम दो चीज़ें यूज कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि नोड मॉन, प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक मॉड्यूल मैंने आपको इंस्टॉल करवाया था जिससे आपने जस्ट क्या करना है, सेव करना है और ऑटोमेटिकली आपको टर्मिनल पे रिजल्ट शो हो जाता है। तो आप नोड मॉन को यूज करके भी अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हो, या फिर मैंने आपको नोड के साथ एक फ्लैग यूज होता है जिसको हम कहते हैं -watch, वो भी मैंने आपको उसी नोड मॉन वाले लेक्चर के अंदर बताया था। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, ये देखो नोड यूज करता हूँ अपने टर्मिनल में, उसके बाद ये वाला फ्लैग यूज करता हूँ, -watch यूज करता हूँ, और उसके बाद अपनी ये जो फाइल है जिसका क्या नाम है index.js, इसका नाम यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। तो ये कमांड मैंने यहाँ पे टाइप की और अब मैं यहाँ पे आके एंटर करता हूँ। तो ये देखो लिसन मेथड के अंदर जो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी थी सर्वर रनिंग एट, वो यहाँ पे देखो टर्मिनल पे शो हो रही है। इसका मतलब ये जो एड्रेस है ना, अब इसी एड्रेस को मुझे यहाँ पे अपने ब्राउजर पे ओपन करना है ताकि ये जो रिस्पॉन्स है जो मैंने यहाँ पे दिया था क्रिएट सर्वर के मेथड में, ये मुझे मिल सके। तो आप यहाँ पे देखो टर्मिनल में माउस लेकर आओ, ये आपको नजर आ रहा है, कंट्रोल का बटन प्रेस करना है आपने, इसके साथ क्लिक करना है। ठीक है, लेफ्ट क्लिक, एक दफा लेफ्ट क्लिक करना है तो जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उस पे ये आपके इस URL को ओपन कर देगा। तो यहाँ पे देखो मेरा जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो है ये एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, तो देखो उस पे रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। लेकिन भाई देखो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने गूगल क्रोम में। तो ये देखो गूगल क्रोम मैंने ओपन किया, इसी के अंदर मैं अपना ये लोकल होस्ट डाल रहा हूँ। तो देखो आपको नजर आ रहा है रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर मिल रहा है। तो अब देखो अब इस स्टेटमेंट के अंदर मैं कुछ चेंजिंग करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर के बाद यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ आदिल। ठीक है, तो आपने सेव करना है, तो जैसे सेव करोगे ये देखो टर्मिनल में आपको बता रहा है कि इस फाइल को रिस्टार्ट किया जा रहा है। और आपने यहाँ पे आके सिंपल क्या करना है, अपने ब्राउजर को एक दफा रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करोगे तो देखो जो चेंजिंग मैंने यहाँ पे की थी वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। और भाई देखो ये जो रिक्वेस्ट होती हैं, इसके जो भी रिस्पॉन्सेज होती हैं उसको ट्रैक करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ अपने ब्राउजर पे और मैं आ जाता हूँ इंस्पेक्ट के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं आ जाता हूँ अपने नेटवर्क के टैब के ऊपर। ठीक है, तो देखो ये जो नेटवर्क का टैब होता है हमारे इसमें कंसोल में इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर,
यहाँ पे जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो, जो भी रिस्पांस होते हैं उन सब की जो ट्रैफिक होती है वो आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे देखो मैं रिफ़्रेश करता हूँ दोबारा, मतलब दोबारा मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ठीक है। देखो मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखो, ये आपको नज़र आया लोकल होस्ट, हमारा होस्ट कौन था, लोकल होस्ट था जो हमने वहाँ पे उसका नाम दिया था। और देखो इसके साथ साथ फेविकॉन आइकॉन भी यहाँ पे आ रहा है, मतलब रिक्वेस्ट आ रही है लोकल होस्ट की भी और ये फेविकॉन का ये जो आइकन है ये भी रिक्वेस्ट में आ रहा है। अब ये आइकन है कौन सा भाई, देखो लोकल होस्ट के साथ लेफ्ट साइड पे आपको ये आइकन नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला है ये फेवे आइकन, मतलब ये बाय डिफॉल्ट हमारी रिक्वेस्ट के साथ आता है, मतलब ये पहले से मैकेनिज्म इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं अपनी लोकल होस्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जैसे क्लिक करोगे तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, मतलब ये रिक्वेस्ट के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताया था, HTTP रिक्वेस्ट हेडर होता है, और नीचे देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स हेडर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, देख रहे हो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। होस्ट देखो बता रहा है, कनेक्शन देखो बता रहा है, सारी चीज़ें आ जाओ। यूज़र एजेंट मैंने आपको नीचे बताया था, देखो गूगल क्रोम यहाँ पे बता रहा है, विंडोज़ बता रहा है, ठीक है, और भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, देख रहे हो ये सारी वही चीज़ें जो मैं अभी आपको स्लाइड पे यहाँ पे बता के आया हूँ, देख रहे हो पोर्ट नंबर तक बता रहा है, सारी चीज़ें आपको बता रहा है, रिक्वेस्ट देखो बता रहा है गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टेटस कोड बता रहा है 200 ओके, मतलब कोई यहाँ पे एरर नहीं है, बिल्कुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो इस HTTP की मदद से, ठीक है। तो नेटवर्क टैब के अंदर ये सारी चीज़ें आपको दिखानी थी, तभी मैंने आपको ये स्लाइड्स में समझाया था, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अच्छा फिर यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रिस्पॉन्स में एक कॉन्टेंट टाइप भी होता है जो कि बताता है कि भाई किस टाइप का कॉन्टेंट हमारे पास पास हो रहा होता है, मतलब जब सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है ना हमारे क्लाइंट को तो उसके अंदर रिस्पॉन्स हेडर के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्टेंट टाइप का। तो भाई देखो कंटेंट टाइप अभी हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखो कंटेंट टाइप अभी हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो अगर जनरेट करना है तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे आओ, ये देखो ये जो रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखा था ना इसके ऊपर, ठीक है, इसके टॉप पे यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ RES, और उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ सेट, एक यहाँ पे मेथड होता है सेट हेडर, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। इसके पहले आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पे पास करता हूँ कॉन्टेंट टाइप, ठीक है, और कॉन्टेंट टाइप किस टाइप का है वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश प्लेन, मतलब ये प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं ये आदिल भी हटा देता हूँ ताकि जो चेंजेस हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आएँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर, और अब यहाँ पे आ जाओ लोकल होस्ट, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये देखो अब यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स के अंदर कॉन्टेंट टाइप भी नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास HTTP मॉड्यूल के अंदर कुछ मेथड्स भी हैं जिसके अंदर आप रिस्पॉन्स में क्या क्या चीज़ें सेट करवाना चाह रहे हो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे आ जाओ, अच्छा देखो ये अभी एक सिंटेक्स मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप सर्वर को क्रिएट करते हो और उसके साथ साथ आप लिसन करवाते हो अपने पोर्ट नंबर्स को। यहाँ पे एक दूसरा सिंटेक्स भी है इसका, उसके लिए यहाँ पे देखो मैं इस सारे पोर्शन को कमेंट आउट करता हूँ, इसको पहले मैंने सेलेक्ट किया, कमेंट आउट करते हैं, अब नीचे आ जाओ, ठीक है। तो सिंटेक्स के लिए यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, वही HTTP यूज़ करता हूँ और उसके साथ यहाँ पे क्रिएट सर्वर HTTP डॉट आएगा और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट सर्वर, मतलब यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल नहीं बना रहा, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे HTTP मॉड्यूल डॉट क्रिएट सर्वर। और इसके अंदर यहाँ पे पहले मैं एरो फंक्शन पास कर रहा था ना, अब यहाँ पे वो जो हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं ना एनोनिमस फंक्शन, वो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ इस तरह से, और इसके अंदर वही पैरामीटर पास कर दूंगा, एक होगा रिक्वेस्ट और दूसरा होगा रिस्पॉन्स, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के दोनों पैरामीटर्स आ गए। और अब मैं ये वाला कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला कोड, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बच जाए। यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं और इन तीनों को मैं यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो इस तरह से मैं अपना सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से मैं रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा हूँ। और अब लिसन वाला जो मेथड है वो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये जो ब्रैकेट यहाँ पे पेरेंथीसिस क्लोज हो रहा है ना, इसका आप यहाँ पे राइट साइड से सेमीकोलन हटाओ और यहाँ पे डॉट लगाओ। डॉट लगाने के बाद ये जो लिसन वाला मेथड था ना, ये पूरा का पूरा आप यहाँ से कॉपी करके इसके साथ लगा लो, मतलब अब ये हम अलग से नहीं लिख रहे बल्कि हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, ठीक है। एक ये डॉट यहाँ से एक्स्ट्रा लग गया, इसको हटा देते हैं। मतलब ये देखो क्रिएट सर्वर का मेथड जहाँ पे एंड हो रहा है ना उसी के साथ डॉट लगा के यहाँ पे देखो मैं ये दूसरा मेथड यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। इसको कहते हैं मेथड चेनिंग या फंक्शन चेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आके इस तरह से इसको हम सेट कर लेते हैं। आप चाहो तो इसको रिफैक्टर भी कर लो, डॉक्यूमेंट के ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे जाके रिफैक्टर, ठीक है। तो ये देखो इससे हमारा एक कोड और ज़्यादा क्या हो गया, शॉर्ट हो गया।
मतलब यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और लिसन के लिए भी हमें कुछ अलग से यहाँ पे लिखना नहीं पड़ा, इन सारे कोड को एक साथ हमने यहाँ पे सेट कर लिया। रिजल्ट आपको यहाँ पे सेम मिलेगा, उसके अंदर कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर के बाद मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ आदिल, ठीक है। इसको सेव करते हैं, हमारा ये सर्वर ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। ब्राउज़र पर चलते हैं और यहाँ पर आके सिंपल मुझे रिफ़्रेश करना है। तो देखो जैसे ही रिफ़्रेश किया दोबारा आदिल आ गया, और देखो लोकल होस्ट के ऊपर जाओ, देखो रिक्वेस्ट और जो रिस्पॉन्सेज हैं वो बिल्कुल सही तरह से हमारे पास जनरेट हो रहे हैं। इसका मतलब जब भी हम यहाँ पे सर्वर क्रिएट करते हैं ना, तो यहाँ पे मतलब जो हमारे पास कॉल बैक फंक्शन है, इसकी बॉडी है, इसके अंदर हम सारा काम करते हैं। मतलब जो भी सर्वर साइड मैंने आपको बताया था ना हम काम करते हैं, वो सारा हम इसके अंदर करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, HTTP मॉड्यूल को यूज़ करके हम ये वाला सारा सर्वर क्रिएट करने का काम करते हैं, पोर्ट को लिसन करवाते हैं और सारा काम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोज़ Node.js से रिलेटेड मैं अपने इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।